ओम अग्निदेवाय नमो नमः, ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री मनमांगलाधिपतये नमः स्वाहा। पंडितजी, सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री मनमांगलाधिपतये नमः। पंडित जी, वो आपकी बेटी का नाम भागवती है ना? ए लड़के, चल निकल जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, निकल जाओ यहाँ से, जाओ। क्या बात है चक्रपाणी? वो बावचीराज, हम औपचारिक पूछताछ कर रहे थे, बस ये हुई। हम जा रहे, हम जा रहे बावचीराज। बावचीराज, आप कहाँ जा रहे हैं? आप विराजिए। जी, वो हमें लगा कि यहाँ अजबदे को बैठना चाहिए अपने परिवार के साथ। जो जहां बैठा है वहीं सही है। आप विराजिए। सर, विचित्र व्यवहार कर रहा है कुंवर प्रताप का दोस्त, हमें ध्यान रखना होगा। जन्म नक्षत्र के चरणानुसार राजकुमार का नाम वह पर रखा जाए। से प्रबंध यदि आप राजकुमार का नाम रखेंगे तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। बलवंत कैसा रहेगा नाम? बहुत ही अच्छा नाम है। वाह, बलवंत। वाह, क्या श्रेष्ठ नाम सुझाया आपने। बलवंत, कुंवर बलवंत। आपको अच्छा लगा नाम? नहीं लगा? कुंवर बलवंत की जय। कुंवर बलवंत की जय। कुंवर बलवंत की जय। कुंवर बलवंत की जय। आज तो मर करेगा। चक्रपाणि, आप क्या क्या कर रहे हैं? इस जलपात्र में डूबकर मरने का प्रयास। पर क्यों? अब जीने का कोई अर्थ ही नहीं बचा वज्रराज। हटिए यहाँ से। मैं वज्रराज, आज इस जलपात्र में हमें डूबकर ही इस निष्ठुर संचार से छुटकारा मिलेगा। पर चक्रपाणि, ऐसा हुआ क्या है? जिस बात का डर था वही सामने आ गई बाजीराज। इस समस्या से बचने के लिए हम मेवाड़ से बुजरा तक आए, वही समस्या हमारा पीछा करती करती यहाँ पहुंच गई। बाजीराज, मुझे नामकरण के लिए पंडित जी आए हैं ना, उन्हीं की पुत्र के साथ हमारे संबंध की बात चल रही है। अर्थात वो पंडित जी आपके ससुर निकले। अब चक्रपाणि, पंडित जी क्षमा। अच्छा ठीक है, हम आपके लिए कोई उपाय सोचते हैं, पर तब तक के लिए आप अपना नाम किसी को मत बताइएगा। सोचिए, जल्दी सोचिए बाजीराज, क्योंकि हमारे जीवन के अंतिम वास आप ही हैं। हाँ चक्रपाणि, हम समझ सकते हैं आपका दुख, अन्यथा इतने कम पानी में हमने आज तक किसी को मरते नहीं देखा। क्षमा कीजिए, वो हमें आपकी व्यक्तिगत बातों में पढ़ने की कोई इच्छा नहीं थी, वो तो बस चलिए भूल चलिए। आप ये व्यक्तिगत बात कह रहे? हमने तो सब सुन लिया, हो गई ना सर्वजने। चक्रपाणि जी, हमने आपकी सारी बातें सुन ली। क्या क्या सुन लिया आपने? आप तो मैं ऐसे डरा रही है बिना बात। ठीक है, तो फिर हम पंडित जी को बता देते हैं कि उनके होने वाले जमाता यहाँ छिप कर बैठे हैं और उनकी निंदा कर रहे हैं। पंडित जी, ये क्या कर रहे हैं आप? बाजीराज, ये क्रोध दिखाने का समय नहीं है। आप क्या चाहती हैं हमसे? मात्र एक
छोटा सा वचन कि हम जो भी बोलेंगे आपको वो करना पड़ेगा, बस। नहीं नहीं फूल, ऐसा मत कहिए, हमारी अतिथि है। अजबे, अतिथि तो ये आपके हैं, हमारे तो ये मात्र प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी कैसे? प्रतिद्वंदी फौजे, करना क्या हमें, हमें बस ये बता दीजिए। करना तो है लेकिन आपको नहीं, आपके इस मित्र को। कभी नहीं, आपकी धमकियों से हम कभी नहीं डरने वाले। धमकियां देना कायरों का काम होता है। थोड़ा अपनी चारों दृष्टि घुमा कर देखिए, ये क्या आपको युद्ध भूमि स्थल दिखता है और हम अपनी वीरता दिखाने के लिए एक उतावले योद्धा दिख रहे हैं आपको? नहीं ना, तो ये कायर वाले शब्दावली ना हमारे सामने तो भूल ही जाइए आप। हाँ चक्रपाणी जी, तो बताइए, हम अंतिम बार पूछ रहे हैं आपसे। बौजराज, कृपया करके मान जाए ना। चलिए कोई नहीं, अब आप ऐसे दिखावटी मित्र रखेंगे तो यही होगा। वैसे हमने आपको पूरा अवसर दिया था बचने का, अब देखिएगे। मौसी जी, वो पंडित जी, उनकी बेटी का ब्याह जिसके लिए वो चिंतित हो रहे थे ना, वो लड़का। मौसी जी, क्या हुआ उस लड़के को? वो मौसी जी, वो लड़का, वो, अच्छा ठीक है। आइए, क्या कह रही थी आप? मौसी जी, आप वो लड़की के बारे में नहीं जानती ना? नहीं, हमें कैसे पता होगा? तो हम भी नहीं जानते। देखो तो, कैसी पागल लड़की। अच्छा अजब, आप आइए हमारे साथ, बताइए तो खीर कैसी बनी है? जी जी, चलो। चक्रपाणी, आप याद रखिएगा, अब हम जैसा बोलेंगे वैसा आपके इस मित्र को करना पड़ेगा। हम किसी के भी अनुचित दबाव में आकर कुछ भी नहीं करने वाले, और दबाव भी किसका? उस अभी वाली लड़की का। असंभव। हम जानते हैं बाजीराज कि आपके मन में कैसे कैसे अंतर्द्वंद चल रहे हैं, और क्यों ना हो, मेवाड़ के वीर योद्धा जिसे शम्स खान से लेकर बैरम खान तक को ढूंढ रहे हो, उसे छलबल वाले दबाव में आकर कुछ करना पड़े तो स्वाभाविक है उसका तिल मिलाना। नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं, पर फिर भी आत्मसम्मान और आत्मगौरव, ये भी तो महत्वपूर्ण बातें होती है ना चक्रपाणी। होना भी चाहिए बाजीराज, परंतु हमारा आपसे इतना ऐसा ही निवेदन है कि आप एक दिन के लिए कुंवर प्रताप ना रहकर स्वयं को मात्र हमारा मित्र नहीं मान सकते। एक दिन के लिए चक्रपाणी, ये सही नहीं है। हम मानते हैं कि आप इस समय एक ऐसे दबाव में हैं जिससे आप मुक्त होना चाहते हैं, तो ठीक है, हम मिलकर ठंडे दिमाग से सोचते हैं, कोई ना कोई उपाय हमें मिल ही जाएगा। हो सकता है हमें कोई ऐसा उपाय मिल जाए जिससे आप भी इस समस्या से बाहर निकल जाए और उस फूल कवर की भी बुद्धि ठिकाने लग जाए। नहीं बौजराज, हमारे इस समस्या का कोई दूसरा हल नहीं है, बहुत सोच चुके इस विषय पर, हमें कोई उपाय नहीं मिला। कुछ कुछ समस्या ऐसी होती है जिसका कोई उपाय नहीं होता बाजीराज। पर गुरुवर तो कहते थे। छोड़े ना बाजीराज बड़े बड़े सिद्धांत, सीधी बात, यदि आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो हम फांसी ले लेंगे। चक्रपाणी, ये क्या नया सॉन्ग कर रहे हैं आप अभी? जब कोई विकल्प नहीं बचते ना बाजीराज, तो व्यक्ति जीवन मरण वाले निर्णय लेते हैं, जो सामने वाले को स्वांग दिखते हैं। ठीक है, तो हमने भी तय कर लिया है, या तो आप राजकुमारी फूल की इच्छा अनुसार जो वो कहे कर लीजिए एक दिन, या तो अपने मित्र को मरते हुए देख लीजिए। ठीक है चक्रपाणी, हम भी देखते हैं कि ऐसा क्या क्या करवाती है फूल कवरों से। पर अब आप इस फंदे को फिर मत उठाइएगा। आखिरी दफा पूछ रहे हैं सुरतन सिंह, आप गौहरजान के साथ बिचौलिया जा रहे हैं या नहीं? अब हजार बार पूछेंगे तब भी हमारा उत्तर यही रहेगा। तो
जब मरना है तो मरने के लिए इतनी लंबी यात्रा बिजोले तक क्यों करें? हम यही खड़े खड़े मरेंगे। हमारी समझ के परे है। शहंशाह के साथ तो आप तुरता फुर्ती में जाने के लिए तैयार हो गए थे, अब क्या हो गया है? आपको क्या हो गया है ये हम बताएंगे? आप बताएंगे, हम बताएंगे। आपका ये जो ऊपर वाला है, आप कहीं रात दरबार में छोड़ के आई हैं? सुल्तान सिंह, हमारा नाम है, डराइए मत। देखिए माता जी, आपने क्या कहा था कि शहंशाह हमारे साथ आएंगे बिजोलिया? कहा था कि नहीं? जब शहंशाह हमारे साथ थे तो हमें प्रताप से कोई खतरा नहीं था। यदि प्रताप हमारे सामने आ भी जाता तो उसे उत्तर देने हम हमारे साथ शहंशाह होते नहीं होते। तो हमारी सुरक्षा वहां कौन करेगा माता जी? एक नचनिया? नहीं नहीं, नहीं। देखिए माता जी, हम मानते हैं कि लड़कियां हमें अधिक प्रिय है, किंतु लड़कियों से भी अधिक प्रिय हमें हमारी जान है। हम जान देने बिजोला नहीं जाएंगे, हम जान यही दे देंगे। आत्महत्या। ठीक है, अगर यही आपका आखिरी फैसला है तो तैयार हो जाइए मरने के लिए। जल्लाद, इनके पैरों के नीचे से लकड़ा हटाया जाए, इसे फांसी के फंदे से तब तक लटके रहने दिया जाए जब तक कि इसकी जान ना निकल जाए। के साथ बिचोलिया जाने के लिए हमें किसी और को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सुल्तान सिंह तो आपके साथ जाने के बनिस्बत अपनी जान देना बेहतर समझते हैं। ऐसी भी क्या नाराज की है मुझसे? आपको हजान है, आपको कोई कोई शक है? बावड़ा हो गया, केवल आपको हक है। माता जी, आप हमारी बात समझी ही नहीं। क्या कहा था हमने आपसे? हमने कहा था कि लड़कियों से अधिक प्रिय हमें हमारी जान है। हम यही गौहर जान की बात कर रहे थे। गौहर जान के साथ हम कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। बिजोले भी जाएंगे। आप अधिक शीघ्र तैयारी करें, आरंभ करें जाने के लिए। पोटली जी, हम लोग राजकुमार को लेकर देवी माँ के दर्शन के लिए मंदिर जा रहे हैं। आप पीछे से कुंवर प्रताप और उनके मित्र का ध्यान रखिएगा। जी रानी साहब। हमें पता नहीं था ये भी हमारे साथ आ रही है। फूल भी साथ में चल रही है, ये क्या सोचेंगे? और फिर कुंवर प्रताप भी तो आए हुए हैं। हम तो बस देवी माँ के दर्शन करना चाहते हैं। ठीक है। आ, आ, फूल, आ, 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 क्या हुआ इन्हें? बहुत तेज दर्द हो रहा है क्या पेट में? जल्दी राज वैद्य जी को बुलाइए ना। नहीं पार्थी जी, ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमें लगता है हमने नामकरण समारोह में कुछ अजय की खा लिया था, इसीलिए हम थोड़ा विश्राम करेंगे ना, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ठीक है, देवी माँ के दर्शन किसी और दिन करेंगे। नहीं नहीं, एक बार माता का नाम लेके निकलना और फिर रुक जाना कुछ ठीक नहीं है। आप रुक जाइए ना, और वैसे भी इतनी सारी दासियां तो है ही ना हमारे साथ। हमें लगता है जब को यहीं छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपनी सहेली की देखभाल कर सके। सब चले जाए, हम हैं फूल के साथ। तो ठीक है, आप
ध्यान रखिएगा फूल का। घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा, हम पेट दर्द की बूढ़ी जानते हैं। अच्छा देख, हमें बूटी में समय नहीं गवा सकते। फूल अभी तो इतना छटपटा रही थी अपनी पीड़ा से, और अब हम बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुनिए, आज आप सभी का राजकीय अवकाश है, अब कल ही आएगा आप सब, ठीक है? अवकाश? आप पागल हो गए क्या? आपने इन सबको अवकाश में भेज दिया? हे भगवान, अब घर का सारा काम कौन करेगा? कुंवर प्रताप। और कौन? क्या कुंवर प्रताप? क्या आज सारे घर के काम करने पड़ेंगे हमें इस महल में, जहां हम सम्मानित अतिथि हैं? नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता, हम नहीं करेंगे ये सब। अरे हमने तो उसे फेंक दिया था ना, और हमें लगा था कि आपने हमें वचन दिया था कि राजकुमार फूल आपसे जो भी करने के लिए कहेंगे आप वो सब करेंगे। यह गाय और यह पात्र। आपका पहला कार्य यह है कि आपको लक्ष्मी का दूध दूना है। अब बाजीराज, हम अभी दूध धो लेते हैं। सावधान चक्रपाणि, आपने एक पग भी लक्ष्मी की ओर बढ़ाया तो वहाँ हमारा संदेश वाहक तैयार करें, जो तत्काल पंडित राममोहन शास्त्री को जाके बता देगा कि आप यहाँ छिप कर खड़े हैं। हम कर लेंगे ये। चाहिए? पर किसी को बताना पड़ेगा हमें दूध दूके, क्योंकि हमने पहले कभी नहीं दुआ गाय का दूध। कुंवर प्रताप, ये हमारी समस्या नहीं, ये आपका कार्य है, अब चाहे आपने से पहले कभी किया हो या ना किया हो। ठीक है, हम सब यहीं खड़े रहते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक, आप जाइए और जाकर कुंवर प्रताप को बताइए कि दूध कैसे धोते हैं। अरे वाह, आपने तो इतनी जल्दी दूध धो लिया, जैसे प्रतिदिन का काम है ये आपका, और मानो ये गाय भी बहुत स्नेह करती आपसे। अब आपने देख लिया ना अजब दिन लक्ष्मी का दूध कैसे धुआ, अब आप जाइए जल्दी। देखिए, वैसे हम कोई दूध धोने के विशेषज्ञ तो नहीं है, पर सामान्य ज्ञान के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक बार दूध धोने के तुरंत बाद गाय दोबारा दूध नहीं दिया करती। अजब दी, ऐसा होता है क्या? ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमारे पास आपके लिए कई कामों की सूची तैयार है, आप चलिए हमारे साथ, दूसरा काम देते हैं हम अभी आपको। अब आप मुस्कुरा किस बात पे रहे हैं? वो ऐसे ही एक विचार मन में कौंधा कि यदि आप राजकुमारी नहीं होती तो भूखे ही मर जाती। क्या तात्पर्य है आपका? हमारे कहने का तात्पर्य केवल ये है कि भोजन बनाने के बारे में आपको कुछ नहीं आता होगा। हम सब कुछ जानते हैं भोजन बनाने संबंधी। आप कहती है तो मान लेते, पर सब्जियां काटना तो निश्चित बिल्कुल नहीं आता होगा आपको। अजब दी, बताइए नहीं कि हमें सब्जियां काटना बहुत अच्छे से आता है। पर फूल, हमने आपको कभी नहीं देखा सब्जियां काटते हुए, कैसे कह सकते हैं? ठीक है, हम आप सबको सब्जी काट के दिखाएं। अच्छा दी, आप काट के दिखाइए ना। आप ये मत समझिएगा हमें कुछ आता नहीं है, अब वो तो अजबे ज्यादा अच्छा सिखाती है इसीलिए। ये आटा तो बिल्कुल अच्छा।
अच्छा नहीं, इससे तो बन ही नहीं सकती अच्छी रोटियां। हमारे यहाँ के सामान्य जन भी ऐसा आटा प्रयोग में ना लाए। ना बस, अब एक शब्द और मत बोलेगा हमारे मारवाड़ के आटे के विरोध। यदि आपको सच इतना ही कड़वा लग रहा है तो बना के बताइए अच्छी रोटियां इस आटे से। इस आटे से हम कह रहे हैं अच्छी रोटियां बन ही नहीं सकती। तो फिर ठीक है, हम इसी आटे की अच्छी रोटियां बना के दिखाएंगे आपको। अजब दे, आप बना के दिखाई ना इस आटे की अच्छी सी रोटियां। हंसा मासी जी ने हमसे कहा था कि आप बहुत अच्छी खीर बनाती हैं। वैसे हमें भी बहुत प्रिय है खीर, बनाइए ना। लेकिन अजब दे, इनका काम है। अरे छोड़िए ना फूल, ये भी सदा दासियों के होते, कहाँ अवसर मिल पाता है हमें अपने मन का कुछ बनाने को। और फिर आपको भी तो अच्छी लगती है ना खीर। नहीं 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 नहीं, क्या हमें भी अच्छी लगती है खीर। तो अजब दे के हाथों से बनी ना, पर आज तो सारे काम हमें ही करने हैं, तो खीर भी हम ही बनाएंगे। फिर चाहे वो दूध से भी कम स्वादिष्ट क्यों ना बन जाए, पर बनाएंगे तो हम ही। नहीं नहीं, खीर तो अजब दे ही बनाएंगे। अरे आपने तो हमें कुछ भी नहीं करने दिया। चलिए एक बार कम से कम हमें करछी तो चलाने दीजिए इसमें। दीजिए क्या हो रहा है यहाँ पर? ऐसा ध्यान रखा जा रहा है हमारे विशेष अतिथियों का, उनसे खाना बनवा के? नहीं नहीं राव जी, सारा काम अजब दे ही कर रही थी। राव जी, इनकी कोई गलती नहीं है, आज सारा भोजन इन दोनों ने ही बनाया, हम तो केवल देख रहे थे। नहीं नहीं, आप ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, हम कभी झूठ नहीं बोलते। देखिए, दूध अजब दे ने तो, आपने और अजब दे ने सब्जियां काटी और बनाई, फिर रोटियां भी मारवाड़ के आटे की आप दोनों ने ही मिलकर बनाई, और फिर ये खीर, ये अजब दे ने बनाई। बात तो सही है फूल, और सच भी। अरे कुंवर प्रताप ने तो हमसे बातों बातों में सारे काम करवा दिए। राव सुरतन, गौहर पर लगानी पड़ेगी आपको अपनी मोहर। गौहर जान, हम फिलहाल क्या सोच रहे हैं ये हम बताएंगे या आप बताएंगे? हम बताएंगे। गाड़ीवान, सारा गाड़ी रोक के पूछिए, क्या यही मेवाड़ राज्य की सीमा रेखा है? मेवाड़ की सीमा? गौहर जान, आप हमारा परिहास कर रही हैं। अरे आपके सामने मेवाड़ का राह से जो व्यक्ति परिचित है वो आपके सामने बैठे हैं, और आप किसी और से पूछ रही हैं? मेवाड़ की सीमा बस यही तो है, यहीं से आरंभ होती है, और हम दोनों के संबंधों की सीमा अभी समय है। गाड़ीवान, गाड़ी आगे बढ़ाइए। गौहरजान जी, आप बिल्कुल घबराइएगा मत, मैं आपके साथ। अरे वो वहां कौन है? वो कौन 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 कौन? बस यही है आपकी हिम्मत, यही है आपके हौसले। वैसे हिम्मत तो बहुत है हमें, हम अति बलवान अति शक्तिमान हैं, किंतु जो प्रताप है ना, सारी हिम्मत हमारी निचोड़ दी। इतना खौफ है आपके अंदर प्रताप के नाम का? वैसे तो हम अकेले 100-100 सैनिकों से लड़ सकते हैं, किंतु प्रताप जो है वो अकेला हम पे भारी पड़ गया।
क्या हुआ गाड़ीवान? गाड़ी क्यों रोक दी? भड़के डाकू। डाकू? बाहर निकलो! आपसे कह रहे हैं। निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। गौहरजान जी आप घबराइए मत। शहंशाह, आपने बरसों पुरानी चली आ रही अफगानों और मुगलों की दुश्मनी को एक झटके में ये लजीज गोश्त खिला के खत्म कर दिया। अल्लाह, ये महमूद शाह आज से आपका मुरीद हो गया। कभी कभी इन बातों को समझने में फकत एक लम्हा भर लगता है कि बरसों से जिस दुश्मनी को हम बड़े शौक से पाल रहे थे वो तो फिजूल ही निकली। हमें खुशी है कि आपने अफगानों के बारे में अपना नजरिया बदला। गुजरात और आगरा के बीच की ये दोस्ती हम दोनों के लिए ही फायदेमंद साबित होगी महमूद शाह। तभी तो आए आपकी दावत कबूल करके आपके पास। अब आप हमें ये बताइए कि इस दोस्ती को मजबूत करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या आप जाना चाहते हैं? हाँ राव जी, हम बहुत समय से बाहर है चित्तौड़ के। कई राज के उत्तरदायित्व अधूरे जिन्हें हमें पूरा करना है, इसलिए। राणा उदय सिंह जी बहुत ही भाग्यशाली हैं, जो उन्हें आप जैसा सुपुत्र मिला है, जो उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके उत्तरदायित्व को बांटना चाहता है। खमा गणी हुकुम। गणी खमा, बताइए। हुकुम। ये कुंवर प्रताप है, हमारे पुत्र समान है। इनके सामने कुछ भी छिपाने की आवश्यकता नहीं है, बेझिझक बताइए। हुकुम। सीमा पर फिर अफगान फौजों द्वारा अतिक्रमण की सूचना आई है। हमें इस बात का इल्म है महमूद शाह कि आप अपनी फौजी कुमक भेजते रहते हैं राजपुताने में। अपने इलाके को बढ़ाने का शौक भी है आपका और शायद जुनून भी है। और ये आप ही का खानदान था जिन्होंने राजपुताने को गहरा घाव दिया था। आपके ही अब्बा हुजूर बहादुर शाह थे जिन्होंने चित्तौड़ की घेरा बंदरा बन हजारों सिपाहियों को मौत के घाट उठा चुका और हजारों औरतों को अपने बच्चों के साथ जौहर करने पर मजबूर किया। वाह, शानदार दिन थे आप लोगों की बादशाहत के। शहंशाह, अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपने अब्बा हुजूर से भी बड़ा घाव देना चाहते हैं इस राजपुताने को। इसमें मुगल सल्तनत आपके साथ है। बस एक गुजारिश है हमारी। हाँ हाँ, फरमाइए। हम ये जरूर चाहेंगे कि आप एक वक्त पर एक ही रियासत पर तवज्जो दें, जैसे हम चाहेंगे कि आप बिजोलिया के बारे में क्यों नहीं सोचते। हकीकत तो यह है कि बिजोलिया में हमारे कुछ सिपाही घुसे हैं और एक दो जगहों पर तो उन्होंने फौजी छावनियां भी बना ली हैं। बहुत खूब, मगर जो किया है वो काफी नहीं है। हम चाहते हैं कि आप राजपुताने के दूसरे इलाकों के बजाय बिजोलिया पे अपने फौजी कार्यवाहियां थोड़ी और मजबूत कर दें और थोड़ी और तेज कर दें। आप हुक्म कीजिए, आपका काम हो जाएगा। सीमा से आने वाले संदेशों के अनुसार ये सारे क्षेत्र अफगान के सुल्तान महमूद शाह के सैनिकों के अतिक्रमण के शिकार हो रहे हैं। आखिर चाहता क्या है महमूद शाह? अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार। सत्य तो ये है, पिछले कई महीनों से महमूद शाह के सैनिक बार बार हमारी सीमा में घुसकर हमारे क्षेत्र को उनके क्षेत्र के साथ मिला रहे हैं। मैं तो भय है कि यदि अफगान और मुगल मिल गए तो कुछ ही समय में बिजोलिया और उनके सारे क्षेत्र को हड़प लेंगे। पर राव जी, मुगल और अफगान
आपस में शत्रु नहीं है क्या? शत्रु तो है ही, अपने राज्य की सीमा के विस्तार के लिए और सत्ता के लिए मुगल किसी से भी हाथ मिला सकते हैं, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बाजीराज, हमने हम दोनों का सामान बांध लिया है, हम इसी समय मेवाड़ के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। चक्रपाणि, हमें एक बात बतानी है आपको। आप नहीं चल रहे हमारे साथ, यही बात है ना? हर बात इतनी सरल नहीं होती चक्रपाणि, पहले आप हमारी बात सुन लीजिए। कहने और सुनने को क्या रह गया बाबूजीराज? मूर्ख तो हम है जो तलहटी से यहाँ तक इसी आस से आए थे कि आप हमें इस समस्या से निकालने में कोई ना कोई सहायता जरूर करेंगे। चक्रपाणि, हम भी अपने घर जाना चाहते हैं, पर अचानक एक समस्या आ गई है। बिजोलिया की सीमाओं पर अतिक्रमण हो रहा है और इसलिए हमें मामरख जी की सहायता करने के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा। बाबूजीराज, मामरख जी एक वीर योद्धा है, वे अपनी हर समस्या सुलझा सकते हैं, परंतु हमें केवल आप ही का सहारा है। बस बात कुछ ही दिनों की है चक्रपाणि। क्या आप चाहते हैं कि वो पंडित जी फिर से आकर हमें अपना जमाता बनाकर ले जाए? चक्रपाणि, निजी और व्यक्तिगत समस्याओं के सामने हम अपनी मातृभूमि के प्रति अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्य को भुला दें? यहाँ सीमाओं पर संकट के बादल छाए हुए हैं और ये सब जानने के उपरांत भी हम यहाँ से चुपचाप कैसे चल सकते हैं? लगता है हम कुछ अधिक ही भूल गए। ठीक है बाजीराज, हम यहाँ से चलते हैं। चक्रपाणि, हमारी बात तो सुन। चक्रपाणि, ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे अजबदे, कि कितनी चतुराई से गौहर प्रताप ने हमारी सारी योजना में पानी फेर दिया, अपना सारा काम हमसे करवा दिया। अब जब तक ईंट का उत्तर हम पत्थर से नहीं देंगे ना, चैन नहीं आएगा। अंबागढ़ी मेवाड़ के राजकुमार गौहर प्रताप से मिलना है हमें, हम उनके लिए चित्तौड़ से संदेश लाए हैं। गौहर प्रताप के लिए संदेश? पुपली, जाओ और जाकर गौहर प्रताप का संदेश लेकर आ संदेश वाहक से। बाबूजी राज का संदेश? हम कैसे? ठीक है भाई साहब, जाती हूँ। लाइए, हमें दे दीजिए संदेश। हम तलहटी से आए हैं, हमें स्पष्ट आदेश मिला है, इसे हम गौहर प्रताप को ही दें। अच्छा, दे गौहर प्रताप के मित्र भी तो तलहटी के ही है ना? हाँ, क्यों? देखिए संदेश वाहक जी, हम राजकुमार और हम आपसे कह रहे हैं कि वो पत्र दासी को दे दीजिए, हम दे देंगे कुंवर प्रताप को। जाइए, जब तक ये संदेश हम नहीं पढ़ लेते ना, जब तक हम किसी को ले देंगे। आप जानती है ना, ऐसे दूसरे का संदेश पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी सम्मानित अतिथि का संदेश पढ़ना। लाइए दीजिए हमें। अच्छा, यदि आपने हमें पत्र पढ़ने नहीं दिया ना, तो हम इसी समय से अंजल को छोड़ देंगे। हम कभी नहीं करते ऐसे, किंतु इस समय हम गौहर प्रताप से इतना क्रोधित हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। चक्रपाणि की मासा का संदेश। गौहर प्रताप, हमें पता है कि चक्रपाणि इस समय आपके पास है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे अवसरों पर वो आपके पास ही जाएंगे। हम उसका विवाह करवाना चाहते हैं, और अपने माता पिता की इच्छा का सम्मान करना हर बेटे का धर्म होता है, पर वो अपना धर्म भूलकर अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं। लेकिन हमें इस बात पर पूरा भरोसा है कि आप उसे सही मार्ग दिखाएंगे। 4 दिन बाद उसकी सगाई है, हम वहीं आ रहे हैं। जब तक वो आपके पास पहुँचे, आप उसे तब तक बिजोलिया में ही रोक के रखना, अब आपका उत्तरदायित्व है। ये बड़ी महत्वपूर्ण पारिवारिक समस्या है, हमें तुरंत जाके कुंवर प्रताप को ये संदेश देकर उन्हें सारी बातें बता देनी चाहिए। हमारे हाथ में ब्रह्मास्त्र लगा। अच्छा रुकिए, यूं आपका ऐसे जाना आपकी समस्या का हल नहीं है। देखिए बाजीराज, हमें कुछ नहीं सुनना है, हमें बस जाना है यहाँ से। ठीक है तो फिर जाइए। क्या क्या कहा आपने? हमने कहा जाइए यहाँ से। हम जाए? जाइए ना, आप जाना ही तो चाहते थे ना, जैसे दीवार फाड़ कर आए थे वैसे दीवार फाड़ कर जाइए। चलिए मान लीजिए, यदि आप दीवार फाड़ने में सफल हो भी गए तो क्या करेंगे बाहर जाके? हाँ, कहाँ जाएंगे आप भाग के? मेवाड़? और क्या करेंगे वहाँ जाके? क्या होगा वहाँ?
आपके पिताजी आपको सरलता से पकड़ लेंगे और फिर क्या होगा, आपका विवाह। वाह चक्रपाणी मिश्र, वाह, क्या योजना है आपकी, क्यों सोचा था आपने ये सब? ठीक है, यदि आप यहां से भागना ही चाहते हैं तो हम करेंगे आपकी सहायता। सच? अच्छा रुक जाइए, अच्छा ये बच्चा हमारे हुक्म का इक्का है। अरे कुंवर प्रताप को देने जा रही है ये, अच्छा हमें दे दीजिए। पता नहीं कहां गए कुंवर प्रताप और उनके मित्र। आप इस महल से दक्षिण दिशा की ओर जाइएगा, कुछ समय तक आप उसी दिशा में सीधे जाते रहेंगे तो आपको एक झील दिखाई देगी। उस झील के किनारे पर एक छोटी सी बस्ती है जहाँ हमारे पारिवारिक लोहार रहते हैं। आप उनसे जाकर कह दीजिएगा कि हमने आपको भेजा, वे आपका ध्यान अच्छी तरह से रखेंगे। ठीक है? अजब दी, रुक जाइए। अजब दी, रुकिए ना, हमारी बात तो सुनिए। अजब दी, अजब दी। बस एक बार हमारी बात। क्या हुआ, आप रुके हुए? बाजीराज, आपने हमारे लिए जो भी किया मुझकी बहुत आभारी है। धन्यवाद मित्र, हम फिर जल्दी मिलेंगे। रुकिए, आप इन्हें भगाने में सहायता कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, मतलब हमारे हस्तक्षेप के लिए हमें क्षमा करें कुंवर प्रताप, पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मत कीजिए ऐसे, और हमारे कहने के उपरांत भी आपने इन्हें भगाया तो हम सबको कह देंगे कि आप ही ने इन्हें भगाने में सहायता की है। शास्त्रों में लिखा है कि अगर आप 100 झूठ बोल के भी किसी का विवाह करा दें तो आपको बहुत पुण्य मिलता है, और हम तो इस पुण्य के लिए मात्र एक सच ही बोलने जा रहे हैं, तो हम चले। अरे पर किसी का उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करवाने से कहाँ का पुण्य मिल जाएगा आपको? देखती रही आप, ये नहीं चाहते विवाह करना। यदि हम सब अपनी इच्छा के अनुसार चलेंगे तो हमें से किसी की भी इच्छा पूरी नहीं होगी। क्यों, ये मित्र है हमारे, और हमारा कर्तव्य तो हमारे मित्र की इच्छा अनुसार उनकी सहायता करना ही होगा ना। पर इनके माता पिता, उनका क्या होगा? वचन दे चुके हैं वो लड़की के पिता को, हमारे पंडित जी। आपने उनके व्यथा के बारे में सोचा? पहले पढ़िए इस पत्र को और फिर अपना निर्णय लीजिए। अब बताइए, क्या अभी भी इनको भगाने में आपको इनकी सहायता करनी चाहिए? क्षमा कीजिए चक्रपाणी, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। इसे पढ़ने के बाद तो नहीं, और इन्होंने जो बात कही है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। हमने जो आपसे वादा किया है उसे अमली जामा जरूर पहनाएंगे, पर आप भी जल्दी गुजरात आए ताकि हमें भी मेहमान नवाजी दिखाने का मौका मिले। इंशाल्लाह बहुत जल्द ही आएंगे हम गुजरात। जलाल, बिजौलिया में महमूद शाह को हमलों के लिए दावत देने के पीछे आपका मकसद? गौहर गई है ना वहां आपके दुश्मन को मारने? अम्मी जान, हम ये सब आपकी गौहर जान का काम आसान करने के लिए ही कर रहे हैं, ताकि वो वहां से खाली हाथ ना लौट आए। हम समझे नहीं जला। बिजौलिया की सरहद पे हालात लगातार खराब रहेंगे तो प्रताप का ध्यान भी बिजौलिया की सरहद पे अटका रहेगा।
और गौहर भी अपना काम आसानी से कर पाएगी। बहुत खूब, तुम ही हो ना वो नृत्य गुरु जिसे मारवाड़ के राजा राव मालदेव ने अपनी पोती को नृत्य सिखाने के लिए बिजोलिया भेजा है। बोलो हाँ के ना। उत्तर दो तथागत वालों का। तुम ही हो ना लाल भाई। चुपचाप वो सभी कीमती उपहार हमारे सम्मुख रख दो जो राव मालदेव ने अपनी पोती के लिए भेजे हैं। बिना बात समय गंवाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके अंगरक्षक को मारकर उठा लेते इस नचनिया को। बावड़ा हो गया। इन सबको देख के आपका भी जीप बावड़ा हुआ कि नहीं? माशाल्लाह, आप तो बड़े ही काबिल जंगजू लगते हैं, पर प्रताप से इस कदर डर का सबब? छोड़िए ना, प्रताप वाली जो बातें हैं वो इतिहास है। इतिहास को दोहरा के क्या फायदा? हम भविष्य की बातें करते हैं। भविष्य में प्रताप के साथ क्या करना है हम बताएंगे या आप बताएंगे? कोई नहीं बता पाएगा। हम दोनों को मिलकर सोचना पड़ेगा। सोचिए। सोच लिया। बड़ी तेज है आप। बिजोलिया के राजमहल चली। बिजोलिया? किंतु क्यों? वहां हमारी छात्रा बड़ी बेसब्री से अपनी नृत्य शिक्षिका का इंतजार कर रही होगी। कुंवर प्रताप, हमारी और आपकी मुलाकात बहुत ही जल्द होने वाली है।